मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एसके सोनल टेक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है जिससे जाना है आपको जरूरी। तो जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, यानी कि स्नातक सत्र 15, 18 और 16, 19 के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो उस तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक बढ़ाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकि आपको पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पार्ट टू की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की कर रहे थे मांग। सत्र 15, 18 और 16, 19 के स्नातक पार्ट टू के छात्रों को मिला बहुत बड़ी मौका। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में रिजल्ट सुधार नहीं होने समेत अन्य कारणों से अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिर से एक मौका दिया है। इस संबंध में गुरुवार को जेपी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने सत्र 15, 18 एवं सत्र 16, 19 स्नातक पार्ट टू के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 12 जनवरी 2019 तक का समय दिया है। तो आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि 12 जनवरी 2019 तक आप पार्ट टू सेशन 15, 18 और 16, 19 का फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में पार्ट टू के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 4 से 10 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहने की शिकायत आ रही थी। पुनः तिथि बदलकर 13 दिसंबर तक की गई। इसके बावजूद वंचित रहने की शिकायत पर 19 दिसंबर तक समय बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम तिथि का विस्तार कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातक सत्र 15-18 के छात्रों के लिए चौथी बार तथा सत्र 16-19 के छात्रों के लिए दूसरा मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब फॉर्म भरने की तिथि 12 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके और अपनी फॉर्म को भर सके। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।